어, 이거 걸래. 어, 건물로. 아니, 이거 건물로. बोल कर यहाँ कैसे आया? इधर भाईबंद का मिलने आया ना। तो ऐसा क्यों सोचा कपड़ा का है? कपड़ा नहीं। अरे हो क्या बात है? थैंक यू बोलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के सामने ही हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी है, मेरे साथी भी है। खान हाफिज जी मेरे साथ में ही है, तो इनका जो है वक्तन फवक्तन जो है कुछ न कुछ जो है काम करते रहते हैं, जो लोगों के हक में काम करते रहते हैं। तो आज जो ये नेक काम के लिए निकल लेते तो मैंने इनसे दरख्वास्त की मैं भी साथ में चलता हूँ। आई डोंट नो कि लोग इसके बारे में क्या सोचते जो मैं वीडियो बनाऊँगा कि दिखावा कर रहा है क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ अपने अमल से और खान हाफिज जी के अमल से जो कर रहे हैं इससे ये मैसेज देना चाहता हूँ ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग जो है ना इससे अच्छा मैसेज लेने वाले बने। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ। चले ये बिछा लो है ना, इसको बिछा लो, इसको नीचे बिछा लो, बिछा लो हाँ। धीरे धीरे सब उड़ी जाएंगे, बिछा लो वहां जाओ तुम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम ताला बरकातहु, माशाल्लाह थैंक यू फॉर द कमिंग अलीम भाई, आप आए माशाल्लाह अच्छा लगा। और हमेशा ध्यान रखिए नेकी एक अमल है जो जाहिर में होगा, कोई चाहे मैं नेकी छुपके कर लूँ ये पॉसिबल नहीं है। और नीयत बातिन है, नीयत कभी किसी को दिखेगी नहीं, नीयत के जानने वाला अल्लाह है। नेकी जाहिर है, नीयत बातिन है। और हम लोग जो भी काम करते हैं ये सही बात है, हमारा मकसद भी है दिखाना, दिखाने का मकसद ये है लोग देखें और उनका भी शौक इस तरफ बढ़े, बस ये हमारा मकसद होता है। बस 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 तो बात पूरे ले लो, बिछा लो जान दो, चलो लो चलो अल्लाह बस चलो बस चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू माय फ्रेंड, आपका दोस्त आपका भाई नवेद अहमद सिद्दीकी। आज खान हाफिज जी के साथ अपने गरीब भाइयों को, छोटे अनाथ बच्चों को जो है मतलब कंबल बांटने का एक प्रोसेस चालू करा है, मतलब वो करा है कि उनको कंबल बांटना है। इस टाइम अभी मौसम भी कैसा है, सर्दी का मौसम है, बेचारे फुटपाथ पे गरीब लोग बच्चे ये सब रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत और परेशानी पड़ती है सर्दी के हिसाब से। अहमदाबाद शहर का बहुत ही मशहूर और मारूफ एरिया है ये, इसको कहते हैं भद्रकाली। ये यहाँ पे अपना बाजार के सामने आप देख रहे हैं पूरा रोड बंद है और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे हैं
और एक आदमी आप यकीन करें लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। इंसान तो जिंदा है, इंसानियत लोगों की मर चुकी है, लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। एक आदमी पन्नी वाला यानी कि व्हाइट पन्नी वाला जो झूला होता है, जो होता है ठेला, उसको ओढ़ के किस तरह से अपने आप को ठंडी से प्रोटेक्ट कर रहा है वो आप देख सकते हैं। लाइव देखिए आप। हेलो भाई, अल्लाह कुछ नहीं होने का। क्या नाम तुम्हारा? नाम वाला क्या नाम आपका? क्या नाम है? तमिलनाडु। अरे साहब इंग्ला साहब इंग्ला तीन में सब कोलिया कोलिया चिया बिरयानी मा बिरयानिया इल्ल नल्ला रखे ओपनी रखे नल्ला रखे सुपर शरा इके तलाई बा रजनी कहते हो रजनी कहते हैं तलाई बा इल्ल मुन्ना चिये इंगे कुचार जाते द मोदिया इल्ल द अमिता उसना ये हमारे भाई जो सो रहे हैं, दिल खुश मिजाज आदमी है, तमिलनाडु के थे माशाल्लाह। मैं भी थोड़ी मोड़ी तमिल बोल लेता हूँ, तो मैंने इनसे ये पूछा कि आपने खाना वाना खाया है, तो बोले मैंने खाना खा लिया है। तब मैंने नाम पूछा तो उन्होंने नाम अपना मुर्गन बताया, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बड़े हैप्पी हुए आदमी से जब उसकी जबान में बात करो तो वो बहुत खुश हो जाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि किसी के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कुराहट आए जो चेहरे पर, माशाल्लाह वो खुश हुए हमारी एक्टिविटी से। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लाओ लो कमल लो। नहीं नहीं रुको रुको, यू कौन है? ओ माँ बोली कमल लो कमल लो अली भाई कमल लो। वे भाई लो कमल लो, इसको बिछा लो। वे माँ कसम लो, उनको इसको बिछा लो, बिछा नीचे बिछा लो। क्या हुआ? कहाँ तुम्हारा नाम क्या है? सुनील। घर वहां नहीं है क्या? कहाँ रहते हो? तो कम्बल मल्ली ओढ़ने का तो रेल मशीन जो चालू हुआ जाएगा सो जाएगा ना। शेल्टर होम, होमलेस पीपल का शेल्टर होम है ना, पुल के नीचे आता है वहां जाएगा सो जाएगा फ्री में, गवर्नमेंट का। वो यहाँ की सोते रोड पे ठंडी से मजा होगा, क्या होगा? ठंडी लगती नहीं लगती नहीं है। लो बोलियो सो जाओ, चलो बस। शहर में जाली वाली मस्जिद के सामने, हाँ ये अहमदाबाद शहर की हेरिटेज मॉस्क है। आप देख सकते हैं किस तरह से गरीब लोग बिना ब्लैंकेट के, दिल पे हाथ रखिए जरा आप सोचिए कि आपका घर होने के बावजूद भी आपके पास ब्लैंकेट है कीमती, आपके पास में रजाई है, आपके ऊपर छत है, नीचे बिछाने को बिछोना भी है और गोदरी भी है, उसके बावजूद भी आप ठंडी से बचने के लिए तरह तरह की चीजें अपना रहे हैं। ये हमारे गरीब भाई आप देखिए, ये लाइन से लेकर 15 लोग ऐसे हैं जो बिना कम्बल के ना नीचे कुछ बिछाने का है ना ऊपर कुछ ओढ़ने का है। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा भाई थोड़ा खाओ इन गरीबों के लिए, प्लीज इन गरीबों को हमेशा अपनी निगाह में रखो और इन गरीबों के लिए तकसीम टाउन करते रहिए इंशाल्लाह। सरजू कहाँ तू रहता है? कहाँ रहता है? हमने दोरका रहता हूँ। दोरका? दोरका तो यहाँ कैसे आया? इधर भाई बहन का मिलने आया ना। तो ऐसा क्यों सो रहा? कपड़ा का है? कपड़ा नहीं, शर्ट वगैरह तेरी का है? ये ना। तो इसको पे इसको क्यों? बेटा तेरे मम्मी पापा का है? घर पे। तेरा नाम क्या तूने बताया? सरजू। पूरा नाम बोल। सरजू। सरजू है, दोरका रहता है। गुजराती आवड़े से? तो बेटा क्यों नंगा सोता है? क्या बहादुर है यार भाई। सो 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 सुन, इसको भी इसको बिछा ले, इसको तो बिछा ले बेटा, बिछा लो। हाँ बेटा बिछा लो, बिछा लो। अब बस हाँ हाँ, सो जाओ, लंबा सो जा, ले 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 सो जा। अरे क्या बात है, थैंक यू बोलता है। सो जा सो जा, मर दे आदमी मर दे। तो देसी पिया होगा वो काम करेगी। चलो
आ जाओ भाई, ये मत आओ भाई, नहीं देखो पहुंचे इन्होंने, ना कुछ बिछाया है ना कुछ ओढ़ा है। देखो ओ भाई साहब, ओ भाई ये क्या नाम आपका, नाम क्या आपका, ये सोते हो बिना बिछाए ठंडी लगती नहीं आपको? घर का है तुम्हारा? घर का है? बंगाल के हो? अच्छा मालूम हसे ने की आपका नाम क्या है, अपना नाम बोलन? दत्ता से खाना खाएं की खाबेन? की खाबेन मांस मछली मांस खाबेन? चलो जाओ सो रहा, लो उठ जाओ, मर जाओगे भाई ठंडी से, बचो भाई साहब, लो चलो सो जाओ। ये हाल है हमारे अहमदाबाद शहर में, लोग फजूल खर्च कर रहे हैं शादियों में, ब्याहों में, डीजों में, डांस में, पार्टियों में, और एक इंसान बिना कंबल के देखिए आप रोड पे किस तरह सो रहा है। अब जरा अंदाजा लगाएं कि तकलीफ का, कि लोग मर रहे हैं ठंड की वजह से बिना कंबल के, और हमें शादियों में फजूल खर्च करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अल्लाह रहम करे। अच्छा चलो बस बस अभी 12:30 बज चुके हैं, और जो है हम लोग की अभी भी एक कंबल बाकी, वो बाट के वो जो खत्म करके फिर जो चाय वाय पीते हैं। विशाल हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन जो देखो ऑयल बहुत सारे गिर गए, फिर भी हम लोग अलहमदुल्ला लगे हुए हैं। रात के 12:30 बज चुके हैं, चालू हो गए अलहमदुल्ला भाई, हमारा सब पद बता गया और हम आ गए फाइनली चाय पीने। चाय पीने से ही अपनी पार्टी खत्म होगी इंशाल्लाह। चाचा का बता दोस्तों, हमारा काम जो हम जिस मकसद के लिए निकले थे वो जो है पूरा हुआ, हमने जो कंबल लिया था वो सब बांट दिया और मस्त चाय वाय भी पी ली। अब इस वीडियो का जो है एंड करने का टाइम आ गया, तो हाफिजी की बात सुन लेते हैं, हाफिजी की राय जान लेते हैं, इस पे क्या कहेंगे हाफिजी, बांट के कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह यकीन करिए इस ठाट माती हुई ठंडी में अल्लाह ने जो हमसे काम लिया है इस पे मुझे रश्क हो रहा है, और मैं फख्र भी कर रहा हूँ कि ये काम अल्लाह ने बहुत मामूली बहुत छोटे लोगों से लिया। ये देखिए हमारे भाई नवेद अहमद सिद्दीकी हैं, छोटे मोटे छोटा मोटे मजदूरी करते हैं माशाल्लाह, और हमारे हलीम भाई भी सिलाई का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे अनीस भाई जो हमारा वीडियो बना रहे हैं, सब मामूली लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मामूली लोगों से अल्लाह ने बड़ा काम लिया, इलाह गवाह है। ये देख के दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हुआ कि यार आज हमको क्या हो गया है। मुझे किसी और से कोई शिकवा गिरा नहीं है, मुझे अपने मुसलमान भाइयों से अपील है कि मेरे भाई इस्लाम ने जो फंडामेंटल हमें दिया है, इस्लाम ने जो तालीम और तरबियत दी है, ज़रूरतमंद की हेल्प करना, आपकी हर चीज़ में इन गरीब मुसलमानों का, इन गरीब लोगों का, जो ज़रूरतमंद हो चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म किसी के जाति का हो, फकत ज़रूरतमंद हो उसका ख्याल करें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई इस वीडियो का यही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।